मेरी मम्मी को आवाज़ें आती थी कि हमारे दो बच्चे आ, मर गए पहले आ, ये क्यों ज़िंदा है इसको भी मार दो हारे शरीर पर आ, डंडों के निशान ही रहे वो भी पागल है ये भी पागल है ये कुछ नहीं कर सकेगा अपनी ज़िंदगी में और ये अपने बच्चे की ज़िंदगी ख़राब कर रही है स्कूल में उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे और आ, वो बोलते थे कि आप इस बच्चे को एक नॉर्मल स्कूल में क्यों भेजना चाहते हो बहुत मज़ाक उड़ाते थे और कहते थे कि वन आई एम डॉक्टर रीटा जैरत आई एफ पी बी प्रो बॉडी बिल्डिंग एथलीट और आई एफ बी प्रो लीग इंटरनेशनल जज मेरी मम्मी को आवाज़ें आती थी कि तुम्हारे दो बच्चे मर गए पहले ये क्यों जिंदा है इसको भी मार दो तो वो भी मारती थी और मेरे फादर जो थे वो बहुत छोटी बात पे इरीटेट होते थे जैसे दूध उबालने के लिए रखा है और कभी मैं भूल गई पढ़ने चली गई तो उस टाइम पे, पे उनको गुस्सा आ जाता था या कभी बाहर खेल रही हूँ और देर से आई तब उनको गुस्सा आ जाता था तो बहुत ज़्यादा इतनी मार पड़ती थी कि हमारे घर से पूरे मोहल्ले में चीखें गूंजती थी मार की तो एक तरफ मेरी मम्मी जो थी वो, वो जो उनको आवाज़ें आती थी उनसे बहुत चीख चीख के बात करती थी और फिर हमें मार पड़ती थी तो हम भी बहुत चिल्लाते थे तो सबको लगता था ये कुछ अजीब ही फैमिली है और हमें भी लगता था हम कुछ अलग हैं हमारे घर में सब ठीक नहीं है कोई त्यौहार आता था तो सब लोगों के घर में रिश्तेदार आते थे हमारे यहाँ बहुत ही उदास और मायूसी सी छाई रहती थी तो बस कुछ लगता था कि समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग फिर जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी तो मैं मेरा बस जो सोशल इंटरेक्शन है मिलना जुलना बात करना वो तभी रहता था अगर कोई एनुअल डे आ रहा है या कोई कंपटीशन है उसमें पार्ट लेना है तो इस पहाने से मैं लोगों से मिलती थी ऐसे ही मार पड़ती रही बस लास्ट तक मुझे मैं नीली ही रही मेरा सारे सारे शरीर पर डंडों के निशान ही रहे ऐसे ही बड़ी हुई मैं और खाना बनाने वाला कोई नहीं था न्यूट्रिशनली हम लोग बहुत वीक थे क्योंकि बस जो होता था वो वैसे ही जो भी होता था बस भगवान के बच्चे थे जीते चले गए जब मेरे को मैरिज का प्रपोजल आया तब मुझे कहा गया था कि आपको पढ़ने के लिए हम बहुत अच्छा एनवायरनमेंट देंगे मेरे हस्बैंड मर्चेंट नेवी में थे और वो तो शिप पे रहेंगे तुमको सिर्फ पढ़ना ही है क्या काम है तुमको कोई काम नहीं है लेकिन जब मेरी मैरिज हुई तो मेरे को मेरे पर काफ़ी बहुत इमोशनल ट्रॉमा से मुझे बीतना पड़ा और मुझे कहा जाता था कि तुम्हारे घर में तो सब नॉर्मल नहीं था अब तुमको यहाँ खाना भी चाहिए और कुछ भी मेरे को एक ऐसा लग रहा था मैं सरवाइव ही नहीं कर सकूंगी मेरे हस्बैंड तो शिप पे रहते थे आ, मेरा बेटा जो था आ, उसको कभी वो बीमार भी हो जाता था तो उसको डॉक्टर के पास ले जाने के लिए भी बहुत ज़्यादा हेसिटेशन रहती थी आ, मेरी जब डिलीवरी भी थी आ, तब मेरे को प्रेगनेंसी में जब चेकअप कराना होता था तो वो अलाउ नहीं करते थे डॉक्टर्स के पास जाने के लिए वो बोलते थे गांव में तो ऐसे ही बच्चे पैदा हो जाते हैं तुमको क्यों ज़रूरत है तुम्हारे आ, अपने घर में तो तुमको कुछ भी फैसिलिटीज नहीं थी कुछ भी नहीं मिलता था और तुम्हारी मम्मी खाना नहीं बना सकती थी और बस बहुत ही आ, इवन एक ग्लास दूध पीने के लिए उनको लगता था कि आ, कितना हमें खर्चा करना पड़ रहा है इसके ऊपर तो वो बहुत ज़्यादा और मैं चाहती थी पढ़ना लेकिन मुझे सारा दिन आ, काम में लगना पड़ता था घर के काम में फिर मैं थक के चूर हो जाती थी और यहाँ पे भी मेरे को खाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती थी सोने को भी नहीं मिलता था तो मुझे लगा मैं यहाँ सरवाइव नहीं कर पाऊंगी और जब तक मुझ पर बात थी मैं सहती चली जा रही थी पर आई जब मैं थी यहाँ तो ये यह सोच के आई थी कि माँ बाप का प्यार मिलेगा एक नॉर्मल फैमिली मिलेगी लेकिन वो नॉर्मल फैमिली मुझे कभी नहीं मिली आ, मुझे ऐसा लगा कि मैं आसमान से गिरा और खजूर में अटका ऐसी बात हो गई क्योंकि यहाँ तो उससे भी वर्स्ट था शादी से पहले मुझे होप थी कि जब मेरी शादी होगी तो मैं एक नॉर्मल घर में जाऊंगी जहां मुझे प्यार मिलेगा मेरे बच्चे होंगे मेरी एक नॉर्मल लाइफ होगी और मैं भी अपना जो भी अचीवमेंट्स जो भी मैं पढ़ना चाहती हूँ डॉक्टर बनना चाहती हूँ वो मैं बन सकूँगी लेकिन यहाँ तो मेरी वो सारी जो एक लास्ट होप थी वो भी ख़त्म हो चुकी थी जब मेरा बेटा बहुत बीमार हुआ बीच में एक बार तब मैंने अपने फादर को चिट्ठी लिखी कि यहाँ मेरे लिए शायद सरवाइव करना मुश्किल है आ, मेरा शायद यहाँ पता नहीं है कि क्या फ्यूचर है और मैं बिल्कुल टूट रही हूँ तब मेरे फादर आ, मुझे लेने आए और उन्होंने बोला कि कुछ टाइम के लिए मैं तुम्हें अपने साथ ले जाता हूँ लेकिन आ, मेरा फिर कभी मन नहीं किया कि मैं वापस अपने ससुराल में जाऊँ उस टाइम मेरा बेटा छः सात महीने का था और बीमार रहता था मेरे पेरेंट्स के आने के बाद हालांकि वो मेरे लिए कुछ कर नहीं सकते थे लेकिन मेरे पास फ्रीडम थी कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं, अगर मैं खुद कमाना चाहती हूं तो मैं कमाऊं, तो मैं मैंने हर काम किया ट्यूशन्स भी पढ़ाई और छोटे से छोटा काम बड़ी जॉब सब कुछ किया लेकिन उसको मैंने किसी तरह ब्रिंगअप किया और जब ये एक साल का डेढ़ साल का होने लगा तब मुझे लगा कि ये बाकी बच्चों की तरह नहीं है और बोल नहीं पाता था तो मेरे जो ससुराल वाले थे वो बोलते थे कि ये सोशल इंटरेक्शन जो है और बच्चों के साथ हमारे साथ होता तो शायद बहुत बोलता बड़ा कुछ होता लेकिन ये इसने सबको इसको अलग कर दिया अपनी मम्मी के पास ले गई वहाँ पे वो भी पागल है ये भी पागल है ये Uh, कुछ नहीं कर सकेगा अपनी ज़िंदगी में और ये अपने बच्चे की ज़िंदगी ख़राब कर रही है ऐसा बहुत कुछ कड़वा बोलते थे uh, लेकिन मुझे पता था कि uh, इसमें कुछ इंट्रेंसिकली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और uh, मैंने जब डॉक्टर्स को दिखाना शुरू किया तो uh, uh, वो डॉक्टर्स को उस टाइम ऑटिज़म के बारे में कुछ पता नहीं था उस समय uh, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी कि क्या प्रॉब्लम है इसको हियरिंग uh, भी नॉर्मल थी फिज़िकली पूरी तरह से नॉर्मल था तब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में एक डॉक्टर ने मुझे बताया कि ऑटिज्म के ऊपर रिसर्च चल रही है आप इसके बारे में पता करो और अगर आपके पास कोई अमेरिका में कोई कॉन्टैक्ट है तो आप उनको बोलो uh, कि लिटरेचर भेजें तो मेरे मामा जी रहते हैं वहाँ उनको मैंने uh, चिट्ठी लिखी उन्होंने मेरे को लिटरेचर भेजा काफ़ी रिसर्च का और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि काफ़ी सिम्टम्स इसमें ऑटिज़म के हैं और डेफिनेटली ये उस स्पेक्ट्रम में आता है तो मुझे यहाँ के डॉक्टर्स ने तो यही बोला कि ऐसे बच्चे कभी पूरी तरह से या तो बोल नहीं पाते नॉन वर्बल रहते हैं और फंक्शनल नहीं हो पाते आ, कोई कोई पेरेंट्स पंद्रह बीस पच्चीस साल अगर हम काम करें ऐसे बच्चों पर तो शायद ये फंक्शनल हो जाए और कुछ कर पाए लेकिन इतना कोई नहीं करता क्योंकि उसमें सब कुछ छोड़ के दिन रात बस उसी में लगना पड़ता है माँ की क्या शक्ति होती है कि हम अगर आ, ऐसे बच्चों पे काम करें तो कम से कम हम उनको फंक्शनल कर सकते हैं और कैपेबल बना सकते हैं बेटा मेरा बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा था और आ, स्कूलिंग में मुझे बेटे के लिए बहुत प्रॉब्लम आई और आ, स्कूल में उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे और वो बोलते थे कि आप इस बच्चे को एक नॉर्मल स्कूल में क्यों भेजना चाहते हो मैं ही उसके साथ स्कूल में भी रही तो वैसे देखा जाए तो आज तक मैं जो भी बनी हूँ बेटे के साथ ही रह रह के बनी हूँ जब इसने अपनी टेंथ और ट्वेल्थ करी थोड़ा बड़ा हो गया था और प्यूबर्टी के ईयर्स में आ गया था तब उसका मन करता था कि मैं अपनी बॉडी बनाऊँ उस टाइम नए नए फिल्म स्टार्स सिक्स पैक्स दिखाने लगे थे उससे पहले इतना नहीं होता था लेकिन उस टाइम वो नया नया दिखाने लगे थे और मैं उसको क्योंकि उसने पहली बार अपनी तरफ से कुछ बोला था कि मैं कुछ करना चाहता हूँ तो मैं उसको मुझे लगा कि मेरी ड्यूटी है कि जो ये कह रहा है इसको मैं ज़रूर आगे लेके जाऊँ और इस वजह से मैं इसको जिम में लेके गई बेटे को जब मैं जिम लेके गई तो वहाँ हम लोग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थे सारे लोग सोचते थे कि ये कहाँ से आ गए मतलब ये बच्चा है ये इधर उधर घूमता रहता है इसका ध्यान नहीं है और मैंने अपने आप को डिस्कवर किया कि मैं बहुत हैवी वेट्स उठा सकती हूँ बिना किसी प्रैक्टिस के बिना किसी फाउंडेशन के शायद हो सकता है कि बचपन में क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में थी और स्विमिंग uh, करती रही थी भरतनाट्यम भी करती रही थी तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ मेरे अंदर डेवलप हुई थी इन स्पाइट ऑफ नॉट हैविंग प्रॉपर डाइट तो तब भी मैं करती रही थी तो वो एक स्ट्रेंथ मेरे अंदर साइलेंट uh, स्ट्रेंथ जो थी वो बनी हुई थी तो जैसे ही मैंने uh, बेटे को सिखाना शुरू किया मेरी अपनी कैपेबिलिटी uh, बहुत आगे आने लगी और जो जिम में ट्रेनर्स थे वो मुझे बोलते थे कि वुमेन uh, को वेट ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए ये औरतों के लिए नहीं होता आप ट्रेडमिल पे जाओ योगा करो ये सही नहीं है आपके जॉइंट्स ख़राब हो जाएंगे और बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस उल्टी सीधी एक्सप्लेनेशंस देते थे तो मुझे लगता था कि मुझे तो अच्छा लग रहा है और मैं करना चाहती हूँ और ये लोग मुझे क्यों रोक रहे हैं तो मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया बुक्स उठाई और फिर मैंने इसके बारे में स्टडी किया फॉर्मल एजुकेशन भी करी मैंने तो बहुत सारी इंस्टीट्यूट से मैंने डिप्लोमा किया और फिर मेरे को लोगों ने बोला कि आप क्यों नहीं कम्पीट करते क्योंकि जब जिम में छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स होते थे मैं मुझे सब लोग नीचा दिखाने की कोशिश करते थे कहीं ये पार्ट ना ले ले कहीं ये ना कर ले लेकिन मैं हमेशा जीत जाती थी तो तब मैं और डिटर्मेंड हो गई और क्योंकि इंडिया में बॉडी बिल्डिंग वुमेन के लिए बिल्कुल भी नहीं थी स्पेशली इंटरनेशनल फॉर्मेट में नहीं थी तो मैंने यूएस ट्रैवल किया और एक तरह का पैराडॉक्स है कि क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं था मैं शायद जिनके पास गई वो लोग वर्ल्ड के बेस्ट थे डेनिस जेम्स थे और शैनन डे जो फ्लोरिडा में है वो थी मैंने कुवैत में है मैं दस्कर के साथ ट्रेनिंग करी जिसके लिए मैं आई फील वेरी प्राउड क्योंकि यहाँ कुछ नहीं था तो मैं इतनी दूर जा जा के जब मैं जा ही रही थी तो मुझे लगा कि जो बेस्ट हैं मैं उनसे सीखूं और फिर मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट करना शुरू किया तो उस टाइम भी मैं अकेली जाती थी और कंपीट करके आ जाती थी फ़ोटोग्राफी इतनी नहीं थी तो बहुत ज़्यादा पिक्चर्स मैंने नहीं खींची लेकिन जब लोगों को ने देखा कि एक कंपटीशन सूट जो है जिसको बिकनी बोलते हैं हम उसको कंपटीशन सूट बोलते हैं क्योंकि वो ट्रेडिशनल बिकनी नहीं होती तो वो पहन के ये स्टेज पर जा रही है एक पंद्रह सोलह साल के बच्चे की माँ है तो बहुत ज़्यादा अपोजिशन मिलता था पर आ, मेरी जो सबसे बड़ी वीकनेस थी कि मैं आइसोलेशन में रही थी मैं अकेली थी मेरे को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था यही मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी क्योंकि मुझे कोई रोकने वाला भी नहीं था क्योंकि मेरे साथ ही कोई नहीं था और आ, जब मैं आ, मुझे बॉयज़ ने एक्चुअली ये भी आपको सुन के हैरानी होगी कि बॉयज़ मुझे बहुत रिस्पेक्ट देते थे वो मुझे बोलते थे कि हम चाहते थे आप हमारी माँ से मिलो क्योंकि मेरी माँ ने एक फोर्टी फिफ्टी ईयर्स की एज ग्रुप में गिवअप कर दिया है बट आपको देख के उनको लगेगा कि तो क्या हो गया अगर हमारा बच्चा बड़ा है अब तो बहुत सारी महिलाएं कर रही हैं लेकिन उस टाइम कोई नहीं करता था तो मुझे बॉयज़ ने बहुत सपोर्ट किया और रेस्पेक्ट किया अच्छा लगता था जब जिम में मैं जाती थी और वेट ट्रेनिंग के फ्लोर पे सिर्फ बॉयज़ होते थे और उनके साथ मैं उनके इक्वलेंट वेट उठा रही होती थी और ट्रेनिंग कर रही होती थी जब मैं बिल्कुल अपने पीक फॉर्म में थी कंपटीशन में तो तब मेरी मेरी मैं बहुत ज़्यादा मस्कुलर दिखती थी तो कहीं भी जाती थी तो लोग मजाक उड़ाते थे ए पहलवान ऐसे करके बहुत मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि आ, मतलब यू आर अ मैन ये तो बहुत मैनली है ऐसे नहीं होना चाहिए और आ, आप बहुत गलत एग्जाम्पल हो और इस टाइप की और खासकर जो मेरे इमीडिएट नेबर्स हैं और रिलेटिव्स हैं वो मेरी जो कंपटीशन सूट पहन के जो स्टेज पर जाना इस चीज़ के लिए बहुत आ, गंदा बोलते थे आ, बोल उन लोग उनको लगता था कि आ, जो आ, जो लेडीज़ बॉडी बिल्डिंग करती हैं वो बहुत आ, अवेलेबल हैं और ये क्यों अपना बॉडी इतना एक्सपोज कर रही हैं बट वही ये ये एक्सपोर्ट है और उस बॉडी को फॉर्म करने के लिए उतना उतनी मेहनत करने के लिए जो बिल्कुल ही नॉन इंडलजेंट होना पड़ता है आप बिल्कुल भी कोई चीटिंग नहीं कर सकते एक ग्राम भी आप उल्टा सीधा नहीं खा सकते एक रेपिटेशन भी आप कम नहीं लगा सकते तो उसके पीछे जो मेहनत जाती है तो वो एक बहुत सेक्रेड बॉडी बन जाता है तो ये मेरा विश्वास था तो अपोज़िशन uh, तो लोग करते हैं मजाक उड़ाते हैं और बोलते हैं मुझे जो भी इवन लड़कियां मिलती थी तो बोलती थी कि हमें ऐसा मस्कुलर नहीं बनना हमें तो बस थोड़ा सा पतला होना है लेकिन स्ट्रेंथ की जो वैल्यू है वो बहुत कम लोग समझ पाते थे मेरे बेटे ने यूके से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करी थी वो वापस आया था और बहुत सपने थे मेरे कि मैं इसको नॉर्मलाइज़ कर पाऊँगी और हालांकि वो फंक्शनल भी हो पाया और वो बहुत स्ट्रॉन्ग है फिट है और हम आ, दोनों बहुत आ, अच्छे से फ्रेंड्स की तरह रहते हैं लेकिन आ, अभी भी एक इन्सिक्योरिटी थी और मैं मे, मेरा आ, एक पर्पस था एक विजन था कि स्पोर्ट्स में जो रहते हैं वो जब रिटायर हो जाते हैं तो उनकी लाइफ में बहुत बड़ा खालीपन आ जाता है और वैक्यूम हो जाता है मेरा आ, मन था कि मैं स्पोर्ट्स से जिस स्पोर्ट को मैं प्यार करती हूँ उससे जुड़ी रहूँ और एज़ ऑफ नाउ मैं एशिया में आई एम दी ओनली वुमेन इंटरनेशनल जज इस दुनिया में मैं एक लेगेसी छोड़ के जाऊँ कि जो न्यूट्रिशन है वो हर इंसान को इस धरती के हर इंसान को टच करती है तो uh, मैं एक डायमंड लेवल uh, जो गोल्ड क्लास होती है नॉट ओनली नॉट जस्ट दैट एक डायमंड लेवल की कंपनी uh, uh, और सप्लीमेंट्स में बना सकूं तो मैंने अपना सप्लीमेंट ब्रांड भी लॉन्च किया है और मेरा विजन है कि आ, मेरी आशा है कि मैं इस इसको सस्टेन करके और इसको एज ए लेगेसी मैं इस दुनिया में आ, छोड़ पाऊँगी आज मैं जोश टॉक्स आशा के मंच से सब महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि अपनी पैशन को फॉलो करें जो आपका दिल करे जो आपका अचीव करने का मन करे उसको पूरी तरह बेहिचक फॉलो करें एंड अन जो जो आपका मन करे वो ज़रूर करें